गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इलेक्ट्रीशियन ऑफ हीटर ट्रेड फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय के अंतर्गत हम लोग अध्याय 13 सिंपल मशीन अर्थात सरल मशीन पढ़ रहे हैं। सरल मशीन पे आज ये तीसरा वीडियो क्लास होगा। इससे पहले आपको इस वीडियो क्लास में कुछ सरल मशीन के उदाहरण समझाए गए थे, और इससे भी पहले आपको सबसे जो फर्स्ट चीज़ आपको निकालना बताया गया था वो यांत्रिक लाभ। और यांत्रिक लाभ होता क्या है, भार बटे में प्रयास के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक लाभ बोलते हैं। दूसरी चीज़ आपको बताई गई थी वेग अनुपात। वेग अनुपात क्या होता है, प्रयास द्वारा चलित दूरी बटे में भार द्वारा चलित दूरी। ध्यान रखिएगा, यांत्रिक लाभ के लिए हमने आपको क्या बताया, यांत्रिक लाभ के लिए बताया कि भार बटे में प्रयास, भार और प्रयास का अनुपात ही यांत्रिक लाभ कहलाता है। यांत्रिक लाभ को हम अंग्रेजी में मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है इस अध्याय को समझने के लिए, वेग अनुपात। वेग अनुपात में हमने क्या बताया कि प्रयास द्वारा चलित दूरी जिसको हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, और भार द्वारा चलित दूरी जिसको हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो वेग अनुपात जिसको हम वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं, वेग अनुपात होता क्या है, वेग अनुपात प्रयास द्वारा चलित दूरी बटे में भार द्वारा चलित दूरी होती है। अर्थात प्रयास द्वारा चलित दूरी और भार द्वारा चलित दूरी का अनुपात ही वेग अनुपात कहलाता है। आज हम इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लीवर, जो एक सरल मशीन का उदाहरण है जिसको हम हिंदी में उत्तोलक बोलते हैं, लीवर मशीन के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो लीवर मशीन होती है यह एक साधारण दृढ़ क्षण अर्थात एक मजबूत क्षण की होती है, जो स्थिर बिंदु के सापेक्ष इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। स्थिर बिंदु को आलंब कहते हैं। जैसे अगर आप देखिए ये उदाहरण, तो आपको दिखाई क्या दे रहा है कि एक रॉड है, एक रॉड है। इस रॉड को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, मतलब यहाँ पे ये घूमने के लिए ये पॉइंट फिक्स है। इधर की तरफ एक भार लटका दिया गया है और इधर की तरफ प्रयास लगाया जा रहा है। जैसे कई पार्कों में इस तरह की व्यवस्था होती है जिसको जिस पे एक तरफ लड़का बैठता है, इधर भी एक लड़का बैठता है, तो एक बार ये ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है। ये कैसे होता है, जैसे देख लीजिए, अगर ये भार है, ठीक है, W भार है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस भार को कम प्रयास लगा कर ही ऊपर उठाया जा सके, तो आपको होना क्या चाहिए कि आलंब से जो प्रयास की दूरी है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये दोनों का जो आघूर्ण है वो संतुलित होगा। अर्थात सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि यह एक साधारण दृढ़ क्षण की बनी होती है, जो किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। स्थिर बिंदु को हम आलंब कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में फलक्रम बोलते हैं। उत्तोलक सीधी छड़ या मुड़ी हुई छड़ दोनों के रूप में हो सकती है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि उत्तोलक सीधी छड़ की होती है, साधारण दृढ़ छड़ की होती है, मजबूत छड़ की। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो सीधी छड़ भी हो सकती है, मुड़ी हुई छड़ भी हो सकती है, दोनों के रूप में ही हो सकती है। इसमें आलंब के एक ओर बल लगाया जाता है तथा दूसरी ओर भार उठाया जाता है। उत्तोलक पर लगाए गए बल एक दूसरे के समांतर होते हैं और एक दूसरे से कोण बनाते हुए हो सकते हैं। उत्तोलक आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अतः इस पर आलंब के एक ओर लगाए गए बल का आघूर्ण दूसरी ओर लगाए गए भार के आघूर्ण के बराबर होगा। चित्र में ये जो चित्र है, आपको ए बी एक उत्तोलक है, चित्र में ए बी एक उत्तोलक है जिसमें एफ जो है आलंब है तथा ए पर प्रयास पी लगाया गया है, जिससे बिंदु बी पर भार उठाया जाता है। तो आप देखिए, ये जो हमारा चित्र है ये क्या है, एक उत्तोलक का उदाहरण है। इसमें आप देखिए कि एक पॉइंट बी पर भार लटकाया गया है और पॉइंट ए, इसको हम ए लिख देते हैं, ए पे जो है प्रयास लगाया जा रहा है अर्थात बल लगाया जा रहा है।
तो जैसा आपको इस परिभाषा में बताया गया है कि उत्तोलक जो है आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस बात का मतलब ये होता है कि आलंब के एक तरफ प्रयास के द्वारा लगाया गया आघूर्ण बराबर होगा किसके, आलंब के दूसरी तरफ भार द्वारा लगाए गए आघूर्ण के। अब इसमें हम उत्तोलक के जो अलग अलग टाइप्स हैं उनको पढ़ते हैं। तो पहला टाइप है सीधी छड़ के उत्तोलक, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट क्रैंक्ड लीवर्स। सीधी छड़ के उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। जो सीधी छड़ के उत्तोलक होंगे वो तीन प्रकार के होंगे। पहला इसमें हम बोलते हैं प्रथम प्रकार का उत्तोलक, जिसको हम फर्स्ट श्रेणी का अर्थात फर्स्ट ऑर्डर का उत्तोलक बोल सकते हैं, या फर्स्ट प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के उत्तोलक में एक ओर भार तथा दूसरी ओर प्रयास बीच में आलंब होता है, अर्थात एक ओर भार दूसरी ओर प्रयास और बीच में आलंब होता है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की अगर कोई आपसे पहचान पूछेगा कि आप कैसे बताएंगे कि ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है कि द्वितीय श्रेणी का है कि तृतीय श्रेणी का है, तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के लिए आपको बस एक ही बात याद रखनी है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है। किसी भी उत्तोलक पे तीन चीज़ें होंगी, एक आपको भार होगा, एक प्रयास होगा और आलंब होगा। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब हमेशा बीच में होता है। जैसे आपको फिगर से हमने दिखाया भी है कि मान लीजिए कि ये एक रॉड है और यहाँ पे ये इसका आलंब है, अर्थात इस बिंदु के चारों तरफ ये रॉड जो है घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो इस रॉड के एक किनारे पे भार लगाया गया है और दूसरे किनारे पे प्रयास अर्थात एफर्ट लगाया जा रहा है। और मान लीजिए कि जो प्रयास लगाया जा रहा है, इस प्रयास का आलंब से दूरी L1 है और जो भार लटकाया गया है दूसरे सिरे पर, इस भार की आलंब से दूरी L2 है। तो ये जो चित्र है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का चित्र है। अब जैसा आपको बताया गया कि उत्तोलक जो है आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है, तो उत्तोलक की अगर संतुलन की अवस्था होगी, अगर उत्तोलक संतुलन की अवस्था में कब होगा, उत्तोलक संतुलन की अवस्था में तभी होगा जब प्रयास द्वारा लगाया गया आघूर्ण और भार द्वारा लगाया गया आघूर्ण दोनों बराबर होंगे। अर्थात उत्तोलक इस स्थिति में तभी होगा जब प्रयास द्वारा लगाया गया आघूर्ण और भार द्वारा लगाया गया आघूर्ण दोनों बराबर होंगे। आघूर्ण कैसे निकालते हैं? अब एक बात आपको पता ही है कि ये वाला पॉइंट फिक्स है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका केंद्र हो गया। और प्रयास कहाँ पे लगाया जा रहा है, यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो प्रयास इस वाली जो छड़ है इस पे कैसे लगाया जा रहा है, लंबवत लगाया जा रहा है। अर्थात अगर देखा जाए तो ये जो केंद्र है, केंद्र से प्रयास की जो दूरी है L1, और इस दूरी के लंबवत क्या लगाया जा रहा है, प्रयास लगाया जा रहा है। तो आघूर्ण निकालने का तरीका ही यही होता है कि केंद्र से जो एफर्ट है, जो बल है, उसकी दूरी लंबवत दूरी अगुणे प्रयास या बल। तो यहाँ पे प्रयास कितना लगाया जा रहा है, P लगाया जा रहा है, और लंबवत दूरी कितनी है, L1 है। तो A पॉइंट पे, A बिंदु पे जो आघूर्ण होगा वो कितने के बराबर होगा, P × L1 के, P × L1 के बराबर होगा। और B बिंदु पे जो आघूर्ण होगा वो कितने के बराबर होगा, तो B बिंदु पे जो बल लगा है वो कुछ नहीं, वस्तु का भार है, तो भार भी एक बल ही होता है। तो इसका मतलब B बिंदु पे जो बल है वो भार के बराबर है, और ये जो भार लगा है इस भार की केंद्र से लंबवत दूरी कितनी है, L2 के बराबर है। तो अगर ये पूछा जाए कि B बिंदु पे आघूर्ण कितना होगा, तो भार गुणे आलंब से लंबवत दूरी, तो B बिंदु पे आघूर्ण कितना होगा, भार W गुणे भार, भार जो भुजा है इसको हम भार भुजा बोलेंगे, या हम इसको भार की केंद्र से लंबवत दूरी भी बोल सकते हैं। तो उत्तोलक के केस में इसको भार भुजा बोला जाएगा, आलंब से भार के बीच की जो दूरी होगी उसको हम भार भुजा बोलेंगे। तो ये कितनी है, L2 के बराबर है। तो आघूर्ण कितना हो जाएगा, भार W बराबर भार भुजा, जो कि L2 के बराबर है। और चूंकि ये संतुलन की अवस्था में है, तो इधर का आघूर्ण प्रयास के द्वारा जो आघूर्ण है उसके बराबर होगा। तो प्रयास का आघूर्ण कितना होगा,
प्रयास द्वारा कितना बल लगाया जा रहा है, पी लगाया जा रहा है, और प्रयास की केंद्र से लंबवत दूरी कितनी है, अर्थात प्रयास की अलंब से लंबवत दूरी कितनी है, L1, तो ये पी इंटू L1 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, W गुणे L2 बराबर पी गुणे L1, जहाँ पे W वस्तु का भार है और P क्या है, प्रयास है, तो ये दोनों बराबर होंगे संतुलन की अवस्था में। तो यहाँ से हम W बटे में P लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, W बटे में इसको पक्षांतर करके W बटे में P लिख लेंगे, और W बटे में P ही क्या होता है, भार बटे में प्रयास का अनुपात ही क्या कहलाता है, मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। तो भार बटे प्रयास का अनुपात मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है, और यहाँ से भार बटे प्रयास का अनुपात आया क्या है, L1 बटे L2 आया है, क्या आया है, L1 बटे L2, क्योंकि अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो W बटे P अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L1 बटे L2। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे कि आपको ये समीकरण मिला है कि भार बटे प्रयास बराबर कितना आ गया है, L1 बटे में L2, और L1 क्या है, प्रयास भुजा की दूरी, और L2 क्या है, भार भुजा की दूरी। प्रयास भुजा की दूरी का मतलब जो प्रयास लगाया जा रहा है वो अलंब से कितनी दूरी पे है, तो जो प्रयास लगाया जा रहा है वो अलंब से L1 दूरी पे है, यही प्रयास भुजा की दूरी होगा। और जो L2 है, L2 का मतलब क्या होता है, भार की अलंब से लंबवत दूरी, जिसको हम भार भुजा बोलते हैं, इसको L2 से प्रदर्शित किया गया है। तो W बटे में P L1 बटे L2 आया है, और यांत्रिक लाभ क्या होता है, उठाया गया भार बटे में लगाया गया प्रयास। तो अगर एक चीज़ मानकर चलिए कि ये जो भार है W है, इसको उठाने के लिए हमने P प्रयास लगाया था, P एफर्ट लगाया था, तो यांत्रिक लाभ यही होता है, उठाया गया भार बटे में लगाया गया प्रयास, जिसको हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि प्रयास भुजा की लंबाई बटे में भार भुजा की लंबाई। तो आपको पता है कि L1 बटे L2 हमने निकाला ही है कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जा रहा है, L1 बटे L2, जहाँ पे L1 क्या था, प्रयास भुजा की दूरी, और L2 क्या था, भार भुजा की दूरी। तो प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होंगे, इसलिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ उसी समय प्राप्त होता है जबकि प्रयास भुजा भार भुजा से लंबी हो। अब आप एक चीज़ अगर इस समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यांत्रिक लाभ प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ तभी मिलेगा जब प्रयास भुजा की दूरी जो है भार भुजा की दूरी से ज़्यादा होगी। आपको बात स्पष्ट तरीके से यहाँ पे समझना चाहिए। हमने आपको पिछले वीडियो क्लासेस में ये बताया था कि जो यांत्रिक लाभ होता है वो एक से अगर अधिक है तो यांत्रिक लाभ है, और एक से कम है तो वहाँ पर यांत्रिक हानि हो रही है। और मशीनों को इसीलिए बनाया जाता है कि यांत्रिक लाभ या तो एक हो या तो एक से ज़्यादा हो। तो फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक के लिए, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ अगर चाहते हैं तो प्रयास भुजा की लंबाई अर्थात प्रयास भुजा की दूरी बड़ा ज़्यादा होना चाहिए भार भुजा से। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो यांत्रिक लाभ किसके बराबर आ जाएगा, एक के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर प्रयास भुजा की दूरी बड़ी होगी भार भुजा से तो ये अनुपात एक से ज़्यादा आएगा। एक से ज़्यादा आने का मतलब क्या है कि यांत्रिक लाभ मिल रहा है। अब आपको हम दिखाते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के कुछ उदाहरण। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया भी गया होगा कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण क्या क्या हैं। तो जैसे कि तराजू आपने देखा होगा कि उसमें दो पलड़े होते हैं और बीच में क्या होता है, सेंटर होता है। तो अगर आप संतुलन की अवस्था चाहते हैं, और आपने देखा होगा कि जो एक फिक्स पॉइंट होता है जहाँ पे हम डंडी लगी होती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, अलम बोल सकते हैं। मतलब दोनों पलड़ों के बीच की जो दूरी होगी वहीं पे अलम होगा, तो वो क्या होगा, अलम होगा। और एक चीज़ मान लीजिए कि अगर किसी एक पलड़े पे भार ज़्यादा है और प्रयास कम लगाया जा रहा है तो दोनों पलड़ों में क्या होगा, डिसबैलेंस होगा। तो अगर भार ज़्यादा है तो प्रयास भी उतना ही लगाना पड़ेगा, तब जा करके जितना भार है उतना ही प्रयास लगाएंगे, तब जा करके वो बैलेंस की स्थिति में अर्थात संतुलन की स्थिति में होगा। लेकिन अगर आप प्रथम श्रेणी के उत्तोलक से चाहते हैं कि आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिले अर्थात कम प्रयास लगाकर ज़्यादा भार उठा लें, तो इसके लिए कंडीशन जो हमने बताई है, जो शर्त बताई है, वो यही होना चाहिए कि प्रयास की दूरी जो है
प्रयास की दूरी आलंब से ज़्यादा होना चाहिए। इसका उदाहरण मैं एक आपको और समझाता हूँ। पार्क में आपने कई बार बच्चों के लिए वो जो तख्ता होता है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में आएगा, जिसमें आप देखेंगे कि एक तरफ अगर भारी लड़का है तो उसको एक कम भार का लड़का भी उठा सकता है। वो कैसे उठा सकता है कि जो भारी लड़का है उसकी देखेंगे कि आलंब से दूरी कितनी है। तो मान लीजिए उसकी दूरी एक है, एक मीटर है, और जो एक मीटर की दूरी पर लड़का बैठा है वो काफ़ी वज़न का है, मान लीजिए कि वो 20 किलो के वज़न का है, और हम ये चाहते हैं कि एक 10 किलो का लड़का दूसरी तरफ बैठा करके हम उसको बैलेंस कर दें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 10 किलो का लड़का है अर्थात जो हल्का लड़का है उसको जो प्रयास लगाना पड़ेगा, तो प्रयास लगाने के लिए उसकी आलंब से दूरी क्या होनी चाहिए, दोगुनी होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि अगर भारी लड़का आलंब से एक मीटर दूरी पर बैठा है जो कि 20 किलो के वजन का है, तो उसको एक 10 किलो का लड़का अगर आलंब से 2 मीटर की दूरी पर बैठ जाए तो वो उठा देगा, मतलब उसको बैलेंस की स्थिति में ला देगा। तो ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण था जिसको हमने तराजू से भी बताया। और ये देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के कुछ उदाहरण, जैसे ये प्लायर है तो ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मूव करने वाला पार्ट है, जो आलंब है, वो बीच में है, और हम प्रयास कहाँ पे लगा रहे हैं, ये एक किनारे पे हम प्रयास लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये प्रयास का पॉइंट हो गया। और भार हम कहाँ से लेते हैं, यहाँ से। तो देख रहे हैं कि जो आलंब है वो भार यहाँ पे लगेगा, क्योंकि हम कोई भी काम इसी एंड से करेंगे ना, इस एंड से, लेकिन हम बल कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे। तो आलंब कहाँ पे है, बीच में है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की पहचान यहीं से होगी कि आलंब बीच में होना चाहिए, प्रयास और भार के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लायर में बीच में ही होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक समझा दिया है, कल आपको सेकंड श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का, मतलब द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक पढ़ाया जाएगा, जिसको पढ़ करके आप जितनी भी लीवर मशीन है उनकी पहचान करना 100% सीख जाएंगे कि ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा, ये द्वितीय श्रेणी का होगा, ये तृतीय श्रेणी का होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।